अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक द कोडर्स। तो नई सीरीज़ के साथ फिर हाजिर हैं। तो स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड को बिना टाइम वेस्ट किए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था रेफरेंसेस को। रेफरेंसेस में हम लोगों ने देखा था टेबल ऑफ कंटेंट, फुट नोट्स और साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी तक। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इंसर्ट कैप्शन का। तो कैप्शन हमारा काम करता है इमेजेस के साथ। तो फिलहाल तो इस लैपटॉप में मेरे पास कोई इमेज नहीं है क्योंकि आज ही विंडो मैंने अपडेट की है। तो खैर हम लोग स्क्रीनशॉट लेके कुछ काम अपना चला देते हैं। तो एक स्क्रीनशॉट मैंने ये ले लिया और इसी के साथ एक दो स्क्रीनशॉट और ले लेते हैं। इसको मैं नेक्स्ट पेज भी ले जाता हूँ और यहाँ से एक और इंसर्ट किया और स्क्रीनशॉट, स्क्रीन क्लिपिंग और दूसरा स्क्रीनशॉट मैं ले लेता हूँ इस साइड से। तो मेरे पास दो इमेजेस आ गई हैं। हम लोग यहाँ पे इन इमेजेस के साथ ही काम करता हूँ। आप लोगों का टेक्स्ट भी ऐड हो सकता है, मैं टेक्स्ट भी थोड़ा ऐड करके दिखा देता हूँ। हेडर नहीं चाहिए मुझे। तो रेंडमली मैं कुछ पैराग्राफ को जो है जनरेट कर देता हूँ। यह रेंडमली मेरा पैराग्राफ जनरेट हो गया और इमेज को उठा के मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ पैराग्राफ के साथ। तो आप लोगों ने बुक्स में देखा होगा इस तरह आप लोगों के पास इमेज इंसर्ट होती है। तो सिंपल मैं यहाँ पे इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, रेफरेंसेस टैब के अंदर आया और सिंपल इंसर्ट कैप्शन कर दिए। यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी का कैप्शन भी दे सकता हूँ, नहीं तो लेबल मैंने फिगर रखना है, इक्वेशन है तो इक्वेशन रखूँगा, टेबल है तो टेबल रखूँगा। फिलहाल मेरे पास फिगर है तो फिगर रख दिया। अब ये पोजिशन भी मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ कि मैंने इसको टॉप पर रखना है या बॉटम पर। तो मैं फ़िलहाल इसको बॉटम पर रख रहा हूँ। न्यू लेबल पर क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से भी रख सकता हूँ, नंबरिंग रखना चाहूँ सिंपल तो वो भी रख सकता हूँ। तो ज़्यादातर फिगर वन ही मैं रखता हूँ। तो यहाँ सिंपल मैंने ओके कर दिया। देखें फिगर वन यहाँ पे मेरे पास लिखा आ गया। और नीचे वाली जो इमेज है इसके ऊपर भी मैं अगर कैप्शन ऐड करता हूँ तो इंसर्ट कैप्शन करूँगा, ऑटोमेटिकली इसने उठा दिया फिगर टू। तो मेरे पास फिगर टू भी आ गया और ओके करूँगा, ये भी ऐड हो गया। इसके अलावा मैं अपना टेक्स्ट मैसेज भी अगर लिखना चाहूँ वो भी ऐड कर सकता हूँ। नहीं तो मेरे पास अपनी आर्टिकल के अंदर, इमेज के अंदर, बुक के अंदर जितनी भी इमेजेस हैं उनका मैं टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहूँ तो सिंपल यहाँ से इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ से अपनी मर्ज़ी से जो है वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो मेरे पास बता रहे पेज नंबर वन पे फिगर वन पड़ी हुई और पेज नंबर टू पे फिगर टू। उस तरह कंट्रोल प्लस क्लिक की मदद से मैं अपनी इमेज के ऊपर जा सकता हूँ, एक रेफरेंस बन गया उसका। उसके बाद मार्क एंट्री है और मार्क साइटेशन है। अगर मार्क एंट्री के ऊपर आप लोग आ जाएँ तो ऐड द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द इंडेक्स, ठीक है, स्क्रीनशॉट किए आल्ट शिफ्ट एक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको जो है सिलेक्ट कर देता हूँ और मार्क एंट्री कर देता हूँ। और मेन एंट्री रखना है या सब एंट्री रखना है वो मैं यहाँ पे रखूँगा। और क्रॉस रेफरेंस किसके साथ देना है वो भी दे सकते हो, या करंट पेज के साथ देना है तो आप लोग वो सिलेक्ट कर सकते हो। पेज रेंज करनी है, बुक मार्क किसी के साथ करना है तो वो भी कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको करंट पेज रख रहा हूँ। आप लोगों के पास नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन है, बोल्ड इटालिक कोई भी रख सकते हो। मैं सिंपल इसको मार्क कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने मार्क किया, देखें मेरे पास शो एंड हाइड आ गया कि ये हमारे पास मार्क हो गई है। तो शो एंड हाइड हम लोग यहाँ से जा के ख़त्म कर लेंगे तो मुझे यहाँ पे इनविजिबल हो जाएगा। तो ये मेरी एक एंट्री हो गई है जो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दी है। जिस तरह मैं अपने पास पेट्स वगैरह के नाम लिख सकता हूँ और जो जो मेरे पास आ गए हैं उनको मैं इंटर कर सकता हूँ। जैसे कि मैं एक और टेक्स्ट आप लोगों को इंटर करके दिखा देता हूँ। डिवाइस को मैंने सिलेक्ट किया, रेफरेंस के अंदर गया और मार्क एंट्री कर दी और यहाँ से मैंने इसको मार्क कर दिया। अब आप लोग इसको जो है वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हो, जिस तरह के हम लोग हार्ड वर्ड्स बोल सकते हैं। बुक के एंड पे आप लोग जाके यहाँ पे सारे जो हैं उनको डाल भी सकते हो। मैं रेफरेंस के अंदर आता हूँ, इंसर्ट इंडेक्स करता हूँ और मैं सिंपल इसको ओके प्रेस कर देता हूँ। देखें डिवाइस वन पेज नंबर वन पे प्रोवाइड्स वन अक्सर आप लोगों के बुक्स के एंड पे आप लोगों को यहाँ पे नज़र आती हैं। तो आप लोग जैसे जैसे जिनको एंटर करते जाएंगे वो आप लोगों के यहाँ पे सेव होती जाएंगे और आखिर में आप लोग उनको एज इंडेक्स यूज़ कर सकते हो। तो अगर हम लोग मार्क साइटेशन के ऊपर आते हैं तो ऐड द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द टेबल ऑफ अथॉरिटीज, ठीक है। जो जो भी आप लोग जो है किसी के साथ जो है डिनोट करना चाहते हो पूरा पूरा पैराग्राफ, तो आप लोग उसको सिलेक्ट करके मार्क साइटेशन कर सकते हो, ठीक है। कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, केसेस हैं, स्टैट्यूज हैं, जो भी आप लोगों के पास ऑप्शन है, ठीक है। इसकी शॉर्ट साइटेशन भी आप लोग कर सकते हो इसकी जगह पे।
और लॉन्ग साइटेशन भी आप लोग कर सकते हो। कैटेगरी पे अगर आप लोग क्लिक करो तो वही ऑप्शन आप लोगों के पास दोबारा आ रहा है कि आप लोगों ने कैटेगरी किस में रखा है। मैंने कैसेज में रख दी है और मैं सिंपल इसको मार्क कर देता हूँ। जैसे ही मार्क किया और मेरे पास फिर शो एंड हाइड आ गया, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। और पेज के एंड पे या आप लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट के एंड पे इसको भी यूज़ कर सकते हो। सिंपल आप लोगों ने यहाँ पर आना है रेफरेंस के अंदर और इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ करना है। तो ये आपको सारा बताएगा कि आल में क्या है, कैसेज में क्या है, स्टैचूज में क्या है। मैं फिलहाल आल पे ही क्लिक करता हूँ और सिंपल इसको ओके कर देता हूँ। जैसे ही ओके कर दिए, देखें मुझे बता रहा है कि ये वाला पैराग्राफ मेरे पास पेज नंबर 1 पे पड़ा है। तो आप लोग इसको भी यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ हमारा जो है रेफरेंसेस का काम ख़त्म। मेलिंग को फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ, इसको मैं नेक्स्ट जो है वीडियो में पूरा बनाऊँगा। आ जाते हैं रिव्यू के अंदर। रिव्यू के अंदर आप लोग स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हो। सिंपल आप लोग अपना पैराग्राफ सेलेक्ट करो और स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऊपर आ जाओ। तो वी आर फिनिश चेकिंग योर सिलेक्शन, वांट टू चेक द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। मैंने कहा जी स्पेलिंग एंड ग्रामर इज चेक कम्प्लीट। तो बोल रहे कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं है, ना ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो वो भी आप लोग अपने वर्ड के अंदर चेक कर सकते हो। अच्छा जी, थिसारस में आप लोग जो है इसको अलहदा से भी देख सकते हो, ठीक है। और वर्ड काउंट आप लोग चेक कर सकते हो कि मेरे पास टोटल वर्ड कितने हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। बता रहा है टोटल पेजेस 3 हैं, वर्ड्स 297 हैं, करेक्टर इतने हैं जी, करेक्टर विद स्पेसेस इतने हैं, नो स्पेसेस इतने हैं, पैराग्राफ्स इतने लिखे हुए हैं, लाइंस इतनी हैं, इंक्लूड टेक्स्ट बुक, फुट नोट्स, एंड नोट्स हर एक के साथ जो है जी, ये सारा कुछ आप लोगों को ऑप्शन मिल गया है। रीड अलाउड का ऑप्शन भी है, चेक एक्सेसिबिलिटी भी है, ट्रांसलेट का ऑप्शन भी है, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। और कमेंट हम लोगों ने पहले भी देखे थे तो कितने कमेंट हैं वो भी आप लोग दे सकते हो। शो कमेंट करोगे तो वो साइड पे बताएगा कि कौन कौन से कमेंट आप लोगों ने लगाए हैं। ये ऑप्शन अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहे तो पिछली वीडियोस को लाजमी चेक करके आए, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन हम अपने पे आते हैं जी, ट्रैक चेंजेस के ऊपर। इज इक्वल टू रेंड तो नेक्स्ट ऑप्शन मेरा आ गया है जी, मैंने एक पैराग्राफ यहाँ पे राइट कर लिया है। तो ट्रैक चेंजेस में क्या होता है, अक्सर आप लोगों ने डॉक्यूमेंट लिख दिए, आप लोग चाह रहे हो कि इसके ऊपर कोई चेंजेस करे तो आप लोगों को पता लग जाए कि, या आप लोगों ने किसी को काम भेजा है तो वो आप लोगों को चेंजेस करके दे रहा है तो आप लोगों को पता लगे कि आप लोगों ने पहले क्या लिखा था और उसने चेंजेस क्या किए, वो चेंजेस आप एक्सेप्ट करते हो नहीं करते हो, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पर फ़ायदा देगा। तो मैं यहाँ से ट्रैक चेंजेस को कर लेता हूँ ऑन, ठीक है। ट्रैक चेंजेस मेरी अभी ऑन हो गई हैं। तो अब मैं यहाँ पे कुछ ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने ख़त्म करने की कोशिश की है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक रेड लाइन शो कर रहा है, या मैं यहाँ पे जो है कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये ट्रैक चेंजेस ऑन होने की वजह से मुझे पता लगेगा। जहाँ जहाँ मेरी चेंजेस होंगी वहाँ पर रेड लाइन शो कर रहा है। और मैं यहाँ पर इसको बोल्ड अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब देख लें जहाँ जहाँ मेरी चेंजेस हो रही हैं वहाँ पे एक रेड लाइन शो कर रहा है। अब मैं जैसे ही मैंने देखा है मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ हो गई है तो मैं यहाँ से इसको क्या कर सकता हूँ, रिजेक्ट चेंज या रिजेक्ट ऑल चेंजेस में करूँगा, मेरा डॉक्यूमेंट उसी हालत में वापस आ गया। अगर कि मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता तो ये जो चेंजेस हुई थी वो मेरे पास एक्सेप्ट हो जाती। उसके अलावा आप लोग जो है सिंपल मार्कअप ये ऑप्शन है, ठीक है, ओरिजिनल पे डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर लेते तो ओरिजिनल आ जाता, ठीक है। सिंपल मार्कअप में आता तो सिंपल मार्कअप में। रिव्यू पेन में आप लोग चेक कर सकते थे यहाँ पे कितनी रिव्यूज हुई हैं। तो दोबारा से मैं थोड़ी सी रिव्यूज करता हूँ आप लोगों को समझ आए। जैसे ही मैंने बैक स्पेस किया तो योर डॉक्यूमेंट यहाँ पर बता रहा है कि ख़त्म किया गया है। और यहाँ पर मैं कुछ जगह टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो बता रहा है कि भाई उमर रहमान काजी यहाँ पे इसलिए बता रहा है कि ये विंडो जो है उमर रहमान काजी के नाम से हुई है तो आथर एज एट उमर रहमान काजी को ले रहा है और चेंजेस आप लोगों को यहाँ पे प्री शो कर रहा है। तो इस तरह आप लोग जो है नेक्स्ट जो है चेंजेस देख सकते हैं कहाँ कहाँ ये प्रीवियस कहाँ पे हुई है। रिजेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर रिजेक्ट, एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट मूव टू नेक्स्ट करेगा तो ये वाली चेंजेस हो गई, एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। एक्सेप्ट ऑल चेंजेस करेंगे तो सारी की सारी एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ से रिवीजन ख़त्म कर लेगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कंपेयर का। आप लोग जो हैं कंपेयर कर सकते हो दो डॉक्यूमेंट्स को एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं जी, जो जो बने हों, ठीक है। इधर से भी सिलेक्ट करें, इधर से भी सिलेक्ट करें। तो मेरे पास फ़िलहाल डॉक्यूमेंट 3 एक आ रहा है
और डॉक्यूमेंट यहाँ से भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। कोई क्या हो गया इसको, कुछ सिस्टम मेरा गड़बड़ कर रहा है शायद, इसको फाइल नहीं मिल रही इसलिए ये थोड़ा सा मायूस हो गया। तो ये आप लोगों ने चेक कर लेना है। तो मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो गया था, आप लोगों ने सिंपल कंपेयर करना है, ठीक है, कंबाइन रख के भी चेक कर सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन लाजमी चेक करें। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग के ऊपर अगर हम लोग क्लिक कर दें तो अब हम लोग लिमिटिंग लगा रहे हैं कि भाई कोई चेंजेस ना कर सके, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग की है मैंने यहाँ पे कि ओनली अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट, के नो चेंजेस हों, सिर्फ रीड कर सके। किसके लिए? एवरीवन के लिए मैं कर देता हूँ और येस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन कर लेता हूँ। और मैं अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे पासवर्ड लगा लेता हूँ 123123। तो सिंपल मैंने ओके कर लिया। अब कोई मेरे टेक्स्ट के ऊपर लिखना चाह रहा है नहीं लिख सकता, कोई चेंजेस करना चाह रहा है नहीं कर सकता, जहाँ पे मैंने कर्सर पॉइंटर छोड़ा था वहीं पे ही है और कोई भी चेंजेस यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। तो मैं स्टॉप प्रोटेक्शन पे आऊँगा, जो पासवर्ड मैंने लगाया था वो पासवर्ड लगाया और ओके सिंपल प्रेस करूँगा। अब मैं जो चेंजेस करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। आई होप कि अभी तक जितनी भी हमारी क्लासेस हुई हैं आप लोगों को समझ आई होंगी। और इसके बाद हम लोगों ने मेलिंग एक रह गया, हेल्प और ग्रामरली, ये दो ऑप्शन रह गए। ग्रामरली आप लोग जो है उसमें कोई इतना ख़ास चीज़ नहीं है, आप लोग ग्रामेटिकली चेक कर सकते हो। और हेल्प जो है सिंपल इन लोगों ने दिए हुए कि आप लोग फीडबैक इनको दे सकते हो, यहाँ से शो ट्रेनिंग कर सकते हो कि एमएस वर्ड के ऊपर जो ट्रेनिंग दे रहे हैं और सपोर्ट और ये सारी चीज़ें एमएस वर्ड वालों माइक्रोसॉफ्ट वालों ने आप लोगों के लिए फीडबैक के तौर पर दी हुई हैं। तो कल की हमारी जो है वो लास्ट क्लास है मेलिंग के ऊपर और उसके साथ हमारा एमएस वर्ड का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आखिरी रिक्वेस्ट, जिनने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी है लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकें। ये तो था बेसिक कोर्स। इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया तो हम इसके एडवांस कोर्सेज भी लेके आएंगे। अगर अच्छा रिस्पांस हुआ तो एक्सेल के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर किसी ऊपर अच्छा रिस्पांस ना हुआ तो फिर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन डिज़ाइनिंग के ऊपर जो मेरी फील्ड है उसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जुड़े रहें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।